नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा नया वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज जो है कुछ और चीज़ जो है हमारे सचिव बताने वाले हैं, जो यूज आप ऐड एंड इन का प्रयोग कैसे होता है। देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रीपोजिशन, और भी प्रीपोजिशन में ऐड और इन का यूज बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला लिखे हैं ऐड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये जानिए। ऐड का प्रयोग में के अर्थ में छोटे स्थानों जैसे गांव, कस्बा, मोहल्ला, शहर के नामों के पहले होता है। ऐड का प्रयोग में के अर्थ में छोटे स्थानों जैसे गांव, कस्बा, मोहल्ला, शहर के नामों के पहले होता है। यहाँ देखिए लिखे हैं आई रीड एट भटहट। अब भटहट क्या है? कस्बा है, गांव है। आई रीड एट भटहट, मैं भटहट में पढ़ता हूँ। अब यहाँ दूसरा लिखे हैं सी लिप्स एट समस्तीपुर। देखिए समस्तीपुर के पहले क्या लिखा गया है? एट लगा है। इधर देखिए भटहट के पहले एट। फिर तीसरा एग्जांपल लिखे है आई रन एन इंस्टीट्यूट ऑफ राजेंद्र नगर। देखिए मोहल्ला है, मोहल्ला के पहले प्रीपोजिशन क्या लगा है? एट। कोई पूछ ले कि मैं भटहट में पढ़ता हूँ, तो अभी मैं हिंदी में देखेंगे तो आप लोग जो है प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर देते हैं, जबकि इन का प्रयोग नहीं होगा, एट का प्रयोग होगा। एट का ही देखिए यहाँ दूसरा प्रयोग, किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए में या पर के अर्थ में भी एट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ लिखे हैं इट इज वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ कह रहा है किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए में या पर के अर्थ में, तो यहाँ भी प्रीपोजिशन आपका क्या लगा है? एट लगा है। यहाँ लिखे हैं टर्न टू द लेफ्ट एट द नेक्स्ट टर्निंग, यहाँ भी देखिए एट लगा हुआ है, यानी किसी खास बिंदु पर पोजीशन बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फिर एट का तीसरा प्रयोग लिखे हैं एट का प्रयोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसका होगा निश्चित समय बिंदु बताने वाले शब्दों के पहले होता है। I shall be listening to the radio at 8 o'clock. अब देखिए ये निश्चित समय बिंदु है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगा है? At लगा है। I have learned that the train will start at 3:10. अब यहाँ भी देखिए क्या लिखा है? At लगा है, निश्चित समय बिंदु बता रहा है। फिर इसी का चौथा प्रयोग हम लिखे हैं ऐट का प्रयोग दिन समय की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले भी होता है। ऐट का प्रयोग दिन या समय की सबसे छोटी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले भी होता है। यहाँ देखिए ऐट डॉन, ऐट डस्क, ऐट डे ब्रेक, ऐट ट्यूलाइट, ऐट सनराइज, ऐट मिड नाइट, ऐट नून, ऐट नाइट। अगर इस नाइट के पहले आर्टिकल द लगा दिया जाए तो प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। फिर आगे आइए ऐट का प्रयोग देखिए। ऐट का प्रयोग बेड टाइम, सम अपॉइंटेड टाइम, ए मोमेंट, मिनट, आवर जैसे शब्दों के पहले भी होता है। यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं सी डज नॉट लाइक टू टॉक टू एनी बॉडी एट बेड टाइम। यहाँ देखिए बेड टाइम लिखा है, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगा है? एट। फिर लिखा है यू मस्ट मीट हिम एट द अपॉइंटेड टाइम, अब यहाँ भी देखिए अपॉइंटेड टाइम दिया हुआ है, प्रीपोजिशन क्या लगा है? एट। फिर देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स एट दिस आवर, अब यहाँ देखिए आवर लिखा है, प्रीपोजिशन क्या लगा है? एट लगा है। फिर ऐट का प्रयोग एज तथा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के पहले भी होता है। यहाँ लिखे हैं सी डाइड एट द एज ऑफ 40, यानी देखिए यहाँ पर उम्र बता रहा है,
तो प्री पोजीशन क्या लगेगा, एट लगेगा। वह 40 वर्ष की अवस्था में या 40 वर्ष की उम्र में मर गई। यहाँ लिखा है ही लेफ्ट स्कूल एट 18। अब देखिए यहाँ भी 18 दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, तो प्री पोजीशन क्या लगा है, एट। एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द वार लॉट्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड। अब देखिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ भी देखिए प्री पोजीशन एट लगा हुआ है। फिर एट का अगला यूज देखिए, एट का प्रयोग क्रिसमस, ईस्टर तथा न्यू ईयर जैसे वर्ष की अवधि के विशेष नामों के पहले भी होता है। वी मस्ट गो टू चर्च एट ईस्टर एंड क्रिसमस। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है एट प्री पोजीशन, यहाँ भी देखिए लिखे हुए हैं। फिर यहाँ लिखे हैं क्रम, क्रम का मतलब आर्डर, बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए फर्स्ट के पहले क्या लगा, आर्डर बता रहा है, एट लगा है। लास्ट एट लगा है। फिर एट द सेकेंड अटेम्प्ट, यहाँ भी देखिए क्या है, एट लगा है, ये आर्डर है। फिर अगला देखिए, कुछ एडजेक्टिव के बाद दक्षता या कमी बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। अब एडजेक्टिव इसमें क्या है, गुड है। इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगाया है, एट। फिर यहाँ लिखे हैं सी इज पुअर एट लैंग्वेजेज, यहाँ भी एडजेक्टिव देखिए पुअर है, प्रीपोजिशन क्या है, एट है। आई एम गुड एट ट्रांसलेशन, यहाँ भी देखिए गुड है, एट लगा हुआ है। यहाँ नियम भी है कुछ एडजेक्टिव के बाद दक्षता या कमी बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रयोग है इसका, कुछ सुपरलेटिव्स के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए लिस्ट लिखा है, लिस्ट के पहले एट। मोस्ट लिखा है, मोस्ट के पहले एट। द वर्स्ट लिखा है, इसके पहले भी देखिए एट लगा हुआ है। फिर आगे आइए, अभी तक तो आपने देखा एट का प्रयोग, अब देखिए इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इन का प्रयोग देश, राज्य तथा बड़े शहर के नामों के पहले होता है। जैसे यहाँ लिख दिए यू लिव इन अमेरिका, अमेरिका देखिए देश है, कंट्री है, इनके पहले क्या होगा, इन। ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली राज्य है आपका, यहाँ भी देखिए इन लगा हुआ है। इनका दूसरा प्रयोग देखिए, इनका प्रयोग सिंगुलर कलेक्टिव नाउंस के पहले होता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउंस। अब यहाँ देखिए वी फाउंड हिम इन द क्राउड, अब इसमें देखिए ये नाउन आपका क्या है, सिंगुलर है, और ये कौन सा नाउन है जो है, कलेक्टिव नाउंस है। अब इनके पहले आर्टिकल क्या लगा है, देखिए इन लगा है। इसी प्रकार देखिए ही स्पोक इन पार्लियामेंट, अब यहाँ भी देखिए ये पार्लियामेंट सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउंस है, इसके भी पहले क्या लगा है, इन लगा है। एक नोट लिखे हैं, एमंग का प्रयोग प्यूलर तथा प्यूलर कलेक्टिव नाउंस के पहले होता है। देखिए ही लॉस्ट एमंग ग्रुप्स ऑफ बॉयज, अब देखिए इसमें ये आपका बॉयज क्या है, प्यूलर है, अब ये कलेक्टिव नाउंस हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर एमंग लगा है। दे सैट एमंग द ट्रीज, अब ट्रीज आपका देखिए नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और इसके ये नाउन जो है प्यूलर में दिया है, तो प्री पोजिशन क्या लगा है, एमंग लगा है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन का प्रयोग भीतर के अर्थ में भी होता है, जैसे लिखे हैं देयर आर फाइव मेन इन दिस रूम, कह रहा है इस कमरे में जो है पांच व्यक्ति हैं। अब भीतर के अर्थ में भी देखिए इन लगा है, ही इज इन द रूम इन द क्लास, वह क्लास में है, यहाँ भी देखिए क्या है, इन लगा हुआ है। फिर आगे आइए, पोशाक के अर्थ में इनका प्रयोग होता है, पोशाक का मतलब बियरिंग। ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, अब देखिए सिल्क दिया है, सिल्क के पहले क्या लग गया, इन। आई सा अ गर्ल इन रेड, मैंने एक लड़की को देखा जो रेड कलर की जो है पहनी हुई थी, इस कंडीशन में क्या लगता है, इन लगता है। पेशा या कार्य, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे यू आर इन पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, देखिए यहाँ पर इन लगा है, ऐसा है।
ही इज इन द आर्मी, आर्मी देखिए है, इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगा, इन। फिर इन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन के भागों के पहले होता है, यहाँ लिख दिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। देखिए हम पहले भी बता दिए हैं कि नाइट के पहले अगर आर्टिकल द आता है तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन क्या होगा, इन होगा, अगर द को हटा दिया जाए तो एट होगा। इन द इवनिंग, इन द डे टाइम। फिर अगला यूज है इसका, इन का प्रयोग बी मंथ, सीजन, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, एज जैसे लंबी अवधि बताने वाले शब्दों के पहले या इनके नामों के पहले भी होता है। जैसे देखिए सी विल कम हियर इन अ वीक, अब यहाँ देखिए वीक है, यहाँ भी आपका वीक है, तो प्रीपोजिशन क्या लगा, इन। हर इल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका इन अप्रैल, अब यहाँ देखिए मंथ का नाम दिया है तो प्रीपोजिशन क्या लगा, इन। ही वॉज बॉर्न इन 1990 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द ईयर ऑफ 1990, यहाँ भी प्रीपोजिशन आपका क्या लगा, इन लगा। फिर यहाँ देखिए दीज बुक्स वेयर रिटन इन द 19th century, देखिए सेंचुरी दिया है, इनके पहले प्रीपोजिशन क्या लगा, इन। दीज प्लेज वेयर रिटन इन द एलिजाबेथन एज, देखिए एलिजाबेथन एज दिया है, प्रीपोजिशन क्या लगा है, इन। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।